सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका अकाउंट SBI बैंक में है और वो अपने फ़ोन में उसकी इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल इंटरनेट बैंकिंग का ज़माना है। बहुत लोग दोस्तों ऐसे हैं जो बैंक का यूज़ नहीं करते, सिर्फ अपने मोबाइल से ही अपनी बैंकिंग यूज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों कई कंडीशन में क्या होता है कि जब भी दोस्तों उनका अकाउंट नया ओपन होता है तो वो अपनी नई आईडी, जिसे हम इंटरनेट आईडी बोलते हैं दोस्तों, वो अपने मोबाइल में बना लेते हैं और दोस्तों उसे यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों कई कंडीशन में क्या होता है कि हमारा मोबाइल ख़राब हो जाता है या फिर दोस्तों अपना मोबाइल चेंज कर देते हैं, न्यू फ़ोन ले लेते हैं या फिर रिप्लेस कर देते हैं, तो दोस्तों उसमें हमें फिर से सारे डेटा डालनी पड़ती है अपने इंटरनेट बैंकिंग की। लेकिन दोस्तों काफ़ी लोगों को क्या होता है कि वो जो सारे जो यूनियम होते हैं, आईडी होती हैं, जो भूल जाते हैं कि हमने फर्स्ट टाइम क्या डाला था, क्योंकि दोस्तों याद नहीं रहता कि जब हमने अपनी इंटरनेट आईडी शुरू करी थी, इंटरनेट बैंकिंग शुरू की थी, तो उसमें हमने क्या पासवर्ड डाला था और क्या उसमें यूनियम डाला था। तो दोस्तों ये सारी दिक्कतें बहुत से लोगों को आ रही हैं कि वो अपनी आईडी को, अपने बैंक को, अपने मोबाइल में फिर से कैसे चालू करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीका दिखाऊंगा जिससे आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा और आपका जो अकाउंट है, आपकी जो इंटरनेट बैंकिंग है, आप अपने मोबाइल में ही फिर से ओपन कर सकते हो सिर्फ ये वीडियो पूरा देखने के बाद। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको समझ में आ सके कि आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग फिर से अपने मोबाइल में कैसे ऑन कर सकते हो, अपनी वही पुरानी वाली इंटरनेट बैंकिंग जो आप पहले यूज़ करते आए थे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है हमारी योनो SBI, मैं इसे ओपन करता हूँ क्योंकि दोस्तों हम इसी में अपनी इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहे हैं, तीन नीचे न्यू टू SBI, दूसरा एग्जिटिंग कस्टमर, तीसरा आई हैव एक्टिवेशन कोड। तो दोस्तों हमें एग्जिटिंग कस्टमर पर क्लिक करना है क्योंकि हमारे पास पहले से अकाउंट है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है लॉगिन यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग आईडी, तो आप इस पर क्लिक करोगे, हमें यहाँ पे यस कर देना क्योंकि हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग आईडी है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है यूजर नेम, दूसरा इंटरनेट पासवर्ड और तीसरा दोस्तों रेफरल कोड। तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा था कि हम जब अपनी पहली बार अपनी आईडी बनाते हैं, रजिस्टर करते हैं अपने मोबाइल में, तो हमारा जो यूजर नेम होता है हम उसको इसी जगह पर नोट नहीं करते और ना ही दोस्तों अपने उसका पासवर्ड याद रखते हैं, क्योंकि दोस्तों कई कंडीशन में क्या होता है कि हम जिस फ़ोन को यूज़ करते हैं उसमें अपना यूजर नेम बना लेते हैं फर्स्ट टाइम, पासवर्ड भी डाल देते हैं और जो रेफरल कोड वो भी डाल देते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा फ़ोन चेंज होता है किसी वजह से, हमारा फ़ोन ख़राब हो जाता है या फिर हम नया फ़ोन लेते हैं, तो उससे फिर से हमें दोस्तों उसमें सारी डिटेल डालनी पड़ती हैं अगर आप किसी दूसरे फ़ोन में इस योनो SBI एप्लीकेशन को यूज़ करोगे। तो दोस्तों हमें ये याद नहीं रहता, तो आपको क्या करना है, आपको इस योनो SBI एप्लीकेशन में कोई ऑप्शन नहीं है ये करने के लिए कि आप अपने यूजर नेम और इंटरनेट पासवर्ड को फॉरवर्ड करके फिर से उसे एड कर सको। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको बैक आना है। अब आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है योनो SBI लेड वाला, ये वाला एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है इसका भी। जी दोस्तों आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा, ये दोनों आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप दोस्तों इसके ओपन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आने वाला है। दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, अगर आपने बिल्कुल भी स्टेप मिस किया तो आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा कि आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड कैसे फिर से उसे बना सकते हो, कैसे उसे रीअप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे पैसे ऑप्शन आ रहा है इस वाली एप्लीकेशन में, यूजर नेम और दूसरा पासवर्ड। दोस्तों अब आप जो सोचोगे कि हमारे पास तो यही नहीं है, अगर ये पासवर्ड और यूजर नेम होता तो हम उसी में लॉगिन कर लेते। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्लिक हियर टू लॉगिन, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्लिक हियर टू लॉगिन वाले पर। यहाँ पर आप दोस्तों क्लिक करोगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड, आपको उस पर क्लिक कर देना है क्योंकि दोस्तों हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है यूजर नेम और पासवर्ड का, तो आपको इस पर फॉरगेट वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे फॉरगेट वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड। दोस्तों हमारे पास हमारे यूजर आईडी भी नहीं है, यूजर नेम जो होता है वो भी नहीं है, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करना है दोस्तों सबसे जो ऊपर ऑप्शन आ रहा है इस वाले में फॉरगेट यूजर नेम, आपको इस पर करना है क्योंकि दोस्तों सबसे पहले हमें अपना यूजर नेम सर्च करना है, उसके बाद पासवर्ड है। तो हम फॉरगेट यूजर नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, देखिए सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में आपको डालना है CIF नंबर,
उसके दूसरे में डालना है दोस्तों अपनी कंट्री। इसमें दोस्तों आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है जो आपने अपनी बैंक खाते में लगाया था। और दोस्तों ये नीचे जो बॉक्स आ रहा है, ये वाली लाइन आ रही है, इसमें आपको ये कैप्चा डालना है। तो चलिए दोस्तों मैं सारे ये बॉक्स भर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। आपको दोस्तों बता दूँ CIF नंबर जो होता है जो आपको आपकी बैंक की पासबुक पर देखने को मिल जाएगा, तो आप टेंशन ना लें। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर सारी डिटेल भर दी हैं। ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला जैसे दोस्तों आप इसमें अपनी कंट्री सेलेक्ट करोगे तो इसमें ऑटोमेटिकली इसमें कोड होता है मोबाइल नंबर वाला, जैसे हमारा इंडिया का 91 है, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ फिल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला हुआ है, यहाँ पे जो बॉक्स में था जो कैप्चा वो इसमें डाला हुआ है, और अपना CIF नंबर डाला हुआ है। इतना डालने में दोस्तों आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जो अभी आपने डाला था उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर OTP डालता हूँ, फिर आपको उसके आगे का दिखाता हूँ। दोस्तों OTP डालने के बाद आपको अपने इस पर कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। दोस्तों देखिए हमारा जो यूजर नेम है वो यहाँ पे दोस्तों शो रहा है, वो देखिए दोस्तों यहाँ पे आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बैक करना है, क्योंकि दोस्तों हमें अपना यूजर नेम मिल चुका है। तो दोस्तों हमारा यूजर नेम वो मिल चुका है, लेकिन हमें अब जो पासवर्ड है दोस्तों वो हमें नहीं पता है। दोस्तों आपको उसके लिए क्या करना है, आपको फिर से दोस्तों फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड पर क्लिक करना है, क्योंकि दोस्तों हमें यूजर नेम था वो तो हमें मिल चुका है। और दोस्तों अभी हमें यूजर नेम मिल चुका था, उसका मैसेज आप उसका जो एक मैसेज है आपके EMR ID पे और आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर भी दोस्तों मैसेज कर दिया गया है। तो फिर से दोस्तों हमें फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड पर क्लिक करना है। अब दोस्तों हमें चाहिए पासवर्ड, क्योंकि यूजर नेम तो हमें मिल चुका। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ऑटोमेटिकली पहले से ही है फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड, तो आपको इसमें कुछ चेंज नहीं करना, आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने का दोस्तों देखिए अब सबसे दोस्तों ऊपर ऑप्शन आ रहा है यूजर नेम का। अभी दोस्तों यूजर नेम नहीं आ रहा था पहले, क्योंकि जब हमारे पास यूजर नेम नहीं था, लेकिन अभी हमें यूजर नेम मिल चुका है। तो यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम डालना है, उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है, कंट्री सेलेक्ट करनी है, अपना मोबाइल नंबर डालना है। इसमें दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। दोस्तों आपको डेट ऑफ बर्थ वही डालनी है जो आपने अपने बैंक खाते में लगाई थी, आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। अगर आपने बिल्कुल थोड़ा सा भी इसमें चेंज किया तो दोस्तों आपका जो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, तो आपको वही अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद दोस्तों आपको जो कैप्चा यहाँ पे फिल करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये सारी डिटेल मैं भरता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों सारी डिटेल मैंने यहाँ पे फिल कर दी हैं, अब आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। दोस्तों हमने क्लिक कर दिया, हमारा जो OTP आ चुका है, जो OTP आपको अब इसमें यहाँ पर डालना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर OTP डालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। OTP डालने में दोस्तों आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं तीन। पहला आ रहा है यूजिंग ATM कार्ड डिटेल, कि आपको अपना पासवर्ड किसके साथ अपना पासवर्ड यहाँ पे पैसे लॉगिन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों तीन ऑप्शन आते हैं। पहला था यूजिंग ATM कार्ड डिटेल, दूसरा यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड, और तीसरा दोस्तों रिसेट योर लॉगिन पासवर्ड विद ब्रांच एक्टिवेशन। तो दोस्तों तीसरा जो ऑप्शन है, आप अगर आप इसे सिलेक्ट करते हो तो आपको इसके लिए ब्रांच जाना पड़ेगा। तो मैं आपको सबसे पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दिखाता हूँ यूजिंग ATM कार्ड डिटेल, क्योंकि दोस्तों ATM कार्ड सबके पास होता है जिसका अकाउंट होता है। तो दोस्तों आपको अपना ATM कार्ड लेना है और उसकी डिटेल इस पर क्लिक करके उसकी डिटेल पहले दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है, सबमिट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपने कार्ड की डिटेल यहाँ पर डालनी है। तो दोस्तों देखिए मेरा पहले से कार्ड नंबर यहाँ पर एड है, जो एक्टिवेट है, तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपका इस तरह आपने अगर अपनी यूनो एप्लीकेशन बनाई होगी तो आपका भी कार्ड पहले से एड होगा, तो आपको इस पर क्लिक करके कन्फर्म कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों अब ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे डालना है दोस्तों आपको कार्ड पे एक्सपायरी मंथ होता है वो एक्सपायरी डेट डालनी है, आपके कार्ड पर क्या नाम लिखा हुआ है, कार्ड होल्डर का नंबर डालना है। आपको यहाँ दोस्तों यहाँ पर अपने कार्ड की पिन डालनी है, जो दोस्तों आपका कार्ड की पिन है, जो दोस्तों हमारी ATM कार्ड की पिन होती है 4 नंबर वाली, वो डालनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो कैप्चा डालना है जो इसमें लगा हुआ है, इतना डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं सारे प्रोसेस करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों सारी डिटेल मैंने यहाँ पर डाल दी हैं,
अब आपको प्रोसेस करना है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। अब दोस्तों देखिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंटर न्यू लॉगिन पासवर्ड। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा नया पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ चुका है। जो पासवर्ड आप इसमें डालोगे वही पासवर्ड आपको इसमें डालना है नीचे वाले बॉक्स में, और दोनों में सेम पासवर्ड डालने वाला दोस्तों आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको पासवर्ड कैसा बनाना है मैं आपको बताता हूँ। आपको आपको दोस्तों एक कैपिटल लेटर लेना है, उसके बाद 3-4 स्मॉल लेटर लेने हैं, उसके बाद दोस्तों एक स्पेशल कैरेक्टर लेना है, जैसे दोस्तों हैशटैग होता है और एट द रेट होता है उस टाइप से। फिर उसके बाद दोस्तों 3-4 लेटर आपको अंक वाले लेने हैं, ऐसे 1-2-3-4 वाले होते हैं जो। दोस्तों इस टाइप से आपको एक पासवर्ड बनाना है। कम से कम दोस्तों आप 8 नंबर बना सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप 20 नंबर तक का बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर पासवर्ड बनाता हूँ और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने पासवर्ड बना लिया है और दोनों में डाल दिया है, मैं आपको सबमिट पे क्लिक करके दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए हमारे पास मैसेज आ चुका है कि हमारा जो पासवर्ड है वो रिसेट सक्सेसफुली हो चुका है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपनी फ़ोन में अपनी जो पहले वाली SBI की एप्लीकेशन थी वो आपको ओपन करनी है, जो दोस्तों हमारी पहले वाली थी, जिसमें दोस्तों हम अपनी जो बैंक की जो होती है जो योनो SBI एप्लीकेशन आपको ओपन करना है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं, तो हमारा जो अकाउंट है वो पहले से ही बना हुआ है, अभी हमने उसे टिक किया है, तो हमें दोस्तों बीच वाले ऑप्शन पर जाना है, यहाँ क्लिक करना है। दोस्तों हमें सबसे पहले वाले ऑप्शन पर जाना है लॉगिन वाले पे, क्योंकि दोस्तों इन दोनों पर क्लिक करोगे तो हमें नई आईडी बनाने के लिए आ रहा है, रजिस्टर करने के लिए, तो हमारी पहले से बनी हुई है तो हमें लॉगिन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों हमारा अकाउंट है पहले से इंटर बैंकिंग का, तो हमें यस कर देना है। अब दोस्तों यूजरनेम आपको ये मिला था, जो पूरा प्रोसेस आपने देखा था वो यूजरनेम यहाँ पर डालना है। उसके बाद दोस्तों इंटरनेट पासवर्ड डालना है, जो भी आपने इंटर पासवर्ड जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया था नया वाला। उसके बाद दोस्तों रेफरल कोड डालना है। रेफरल कोड दोस्तों क्या होता है आप डिस्प्ले पे देख सकते हो, ये रेफरल कोड आपको इस वाले बॉक्स में डाल देना है जो आपको दिख रहा होगा इस पे डिस्प्ले पे। तो चलिए दोस्तों मैं तीनों ये बॉक्स भरता हूँ फिर आपको सबमिट पे क्लिक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना यूजरनेम डाल दिया जो ये मैंने आपको बना के दिखाया था, पासवर्ड डाल दिया है और रेफरल कोड आपको दिख रहा होगा, ये रेफरल कोड आपको यहाँ पर डालना है, और ये डालने बाद दोस्तों आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है इस पर। तो दोस्तों देखिए हमारा जो पेज दूसरा आ चुका है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना 6 नंबर का MPIN बनाना है, जो आपने पहले बनाया था फर्स्ट टाइम जब आपने अपना ये इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन की थी, फर्स्ट टाइम बनाई थी अकाउंट खुलने के बाद, तो आपको फिर से दोस्तों यहाँ पे अपनी एक नई पासवर्ड नई MPIN बनानी है, और वही MPIN दोस्तों आपको नीचे डालनी है। चलिए दोस्तों मैं बनाता हूँ, दोनों में डालता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों MPIN बना लिया मैंने, मैं आपको अब नेक्स्ट करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर OTP आएगा, तो OTP आ चुका है, ये OTP आपको यहाँ पर डालना है, मैं डालता हूँ। OTP डालने में दोस्तों आपको नेक्स्ट कर देना है। तो दोस्तों देखिए हमारे पास मैसेज आ चुका है कॉन्ग्रेचुलेसन का, कि हमारी जो ID थी वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुकी है, आपको ओके कर देना है। तो दोस्तों देखिए हमारा जो YONO SBI अकाउंट अब ओपन हो चुका है। लेकिन दोस्तों अभी आपको वीडियो पुश नहीं करनी है, स्किप नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों हमारा सिर्फ अकाउंट ओपन हुआ है। अब दोस्तों इसके बाद हम वहीं पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन आता है, दोस्तों देखिए जैसे मैं कहीं पैसे पे करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन आएगा प्रोफाइल पासवर्ड का, जो दोस्तों आपने बनाया होगा अपनी इंटरनेट ID बैंकिंग, जो आपने इंटरनेट बैंकिंग शुरू करते टाइम दोस्तों बनाना पड़ा होगा आपको, वही पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। दोस्तों अगर आपको ये पता है कि आपको जो प्रोफाइल पासवर्ड था वो क्या है, फिर तो ठीक है, वो आपको यहाँ पर डालना है, सबमिट कर देना है। लेकिन दोस्तों अगर आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड भी नहीं पता है कि आपको जो प्रोफाइल पासवर्ड था वो क्या था, तो दोस्तों इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा, क्योंकि दोस्तों अगर मैं इसी वीडियो में सारे प्रोसेस बताऊँगा तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो जिस प्रोसेस में आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। अगर आप चाहते हो कि आपको प्रोफाइल पासवर्ड नहीं पता कैसे बनाते हैं, फिर से उसे फॉरवर्ड पासवर्ड कैसे नया उसे फिर से कैसे बनाते हैं दोस्तों, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मुझे सवाल कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, मैं आपके सारे सवालों का आंसर किसी भी वीडियो में बना कर दे सकता हूँ। और अगर आप चाहते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको सारे सवालों का जवाब आपको दूंगा। तो दोस्तों आप सब सीख चुके होगे कि आप अपने इंटरनेट बैंकिंग के यूजरनेम और पासवर्ड कैसे फिर से उसे ओपन कर सकते हो।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि आप अपने फ़ोन में अपनी इंटरनेट बैंकिंग कैसे ऑन कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके पास प्रोफाइल पासवर्ड भी नहीं है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।